रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चिली गार्लिक किचन में। आज हम आपको बताएंगे दही बड़े घर में कैसे बनाए जाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान आ रहा है, हम आपके लिए यूनिक सी वीडियोस लेके आएंगे जो सिंपल सिंपल होंगी, जो आप रोज़े के साथ आसानी से घर में बना सकते हैं, ना कि आप बाहर से मंगवाएं। जो घर में चीज़ें मौजूद होंगी आप उन्हीं से ये चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ली है तकरीबन आधा आधा पाव मैंने ली है मूंग की दाल और आधा पाव मैंने ली है माश की धुली हुई दाल। इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा हुआ था अच्छे से। और तकरीबन आधा किलो मैंने दही ली है। ये 2 से 3 चम्मच मैंने लिए हैं मीठी चटनी है, खिस्ते वाली खुबानी की। ये ग्रीन चटनी है, घर में बनाई है, धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च वगैरह की। तकरीबन हसबे ज़रूरत नमक, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पिसा हुआ, अपने हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर में दाल को डाल के तो उसको ग्राइंड करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे ग्राइंड हुई है। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, इतना अच्छा सा। ये देखते इतना होना, थिक होना चाहिए इतना। इसके अंदर अब जाएगा नमक हसबे ज़रूरत, ज़ीरा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स, ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम कढ़ाई में और इसको गर्म करते हैं और इसको दही बड़ों की शेप देते हैं। चले आए स्टार्ट करते हैं। गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपने जितने बड़े रखे हैं बड़े और छोटे। ये देखें आराम से आप दूसरे चम्मच के साथ ऐसे डालते जाएँ, वो फूल जाएंगे। फिर हम इसको निकाल के पानी में डालेंगे, उसमें नरम हो जाएंगे, तो फिर हम इसको दही में डालेंगे। ये मीडियम आंच पे हम पकाएंगे, ना कि ज़्यादा तेज़ पे, क्योंकि अंदर से वो तेज़ पे हम बनाएंगे तो वो बाहर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ताकि वो अंदर तक पक जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से और कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको निकाल के पानी में डाल देते हैं ताकि ये दही बड़ों की फाइनल लुक है। देखिए कितने मज़े की लग रही है और कितनी जल्दी जल्दी बन गए। ये आप रमज़ान में झटपट बना सकते हैं, क्योंकि रोज़े के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप घर से चीज़ें निकालें और घर में जल्दी जल्दी इफ्तारी में ये बना के आप खा सकते हैं। अगर आपको हमारी डिश पसंद है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी रेसिपी की समझ नहीं आती है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी है, अगर आपने कोई चाहिए तो आप तब भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।